नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हम बात करेंगे संतोष रेणु को लेकर के, जो कि अभी काफी दिनों से वो सोशल मीडिया में नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी लोग का ये सोच रहे होंगे कि कहाँ चले गए, तो हम उनके लिए बता दें, छपरा जेल में बंद है। छपरा जो इलेक्शन के टाइम में झगड़ा लड़ाई हुआ था उसको लेकर के उनपे कुछ केस हो गया था, उसको तहत वो जेल में बंद है। जो कि हमेशा यादव की जो लड़ाई होती है, संतोष रेणु लड़ते हैं। हम बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि संतोष रेणु का एक आज गाना रिलीज हुआ है, उसी को लेकर के हमारा ध्यान आ गया कि संतोष रेणु कहाँ गायब हो गए, उसको लेकर के हम बात करेंगे, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि आखिर वो सोशल मीडिया से दूर क्यों है, जेल में बंद है हम बता दिए, एक गाना रिलीज जो हुआ है उसको लेकर के बात करते हैं। बड़े ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, जो नवरात का महीना जो चल रहा है उसमें वो एक गाना रिलीज किए हैं संतोष रेणु ऑफिशियल पे, माँ का द्वार। बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारा ये गाना हमको लगा, हम सुने तो देखे और देखे और सुने तो देखते ही रह गए, सुनते ही रह गए। इतना लाइन अच्छा मस्त है ना, कि इतना मधुर आवाज है कि सुनिएगा ना तो सुनते ही रह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे गायकों का तो गाना आया है देवी गीत में, लेकिन संतोष रेणु का एक अलग ही भाव, अलग ही माँ के चरणों में जो होता है ना, वंदना विनती, माँ का वर्णन, ये सब चीजें उन्होंने दर्शाया इस गाने को लेकर के। गाने को संतोष रेणु ही ने लिखा है और म्यूजिक दिया है बादल खान ने। तो जेल में बंद रहने के बाद भी गाना रिलीज हुआ है, तो हमारी मैनेजर से उनकी बातचीत हुई है संतोष रेणु के बारे में, तो उन्होंने सारी जानकारी हमको दिया है कि हाँ ये गाना रिलीज हुआ है। उसके बाद हम चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल पर देखे कि हाँ गाना इनका आया हुआ है और बड़ा मस्त लग रहा है ये गाना। अब बात करते हैं संतोष रेणु को लेकर के। हमेशा जो जादों का दर्द होता था, जादों के लिए आवाज बनते थे, जादों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज के डेट में संतोष रेणु जेल में बंद है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं है आज के दौर में। वो हमेशा सबके लिए खड़े रहते थे, जब किसी को कोई तकलीफ होता था तुरंत आप लोग देखते होंगे पहुंच जाते थे, रुपया पैसा प्रशासन मतलब जरूरत था मुहैया कराते थे, वो देते भी थे लगातार। लेकिन आज उनके तकलीफ और दर्द में कोई नहीं खड़ा है। वो कहावत है ना, सुखवा में कहावे वाला सब केहू आपन, दुखवा में कहावे वाला केबा। तो संतोष रेणु के लिए कोई खड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि कम से कम आप लोग खड़े नहीं है तो कम से कम इस गाने को जाइए संतोष रेणु ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और गाने को सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, क्योंकि जेल में बंद रहने के बाद भी उनका चैनल से गाना रिलीज हुआ है। पहले का गाना गाए थे, उसके बाद ये गाना अभी उनके मैनेजर साहब ने रिलीज कर दिया है। और संतोष रेणु को जो हम बता दें कि हमेशा जो लड़ाई लड़ते थे उनके लिए कोई खाड़ नहीं है, अभी छपरा जेल में बंद है। छपरा कांड हुआ था इलेक्शन में, उसको लेकर के और भी कई तमाम केस उन पे चल रहे हैं, तो वो भी दो केस में बेल हो गया, एक केस बताया जा रहा कि बाकी है, तो जल्द छूटने वाले भी है, आपके सामने आने वाले भी है। और मैं बता दूं कि जितने लोग जादो जादो करते हैं, जादों के लिए कौन लोग खड़ा रहता है, हम भी देखते हैं कई लोग खड़े रहते हैं, संतोष रेणु के लिए कौन खड़ा है। जादों के तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जादो है, जादो है, लेकिन किसके लिए जादो है, खाली नाम के लिए जादो है, लेकिन संतोष रेणु के लिए कोई आज तक मिलने तक नहीं गया, बहुत सारे लोग नहीं गया, कोई कोई जो काफी करीब है मतलब कि वो गए हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत लोगों को वो मदद किए, लेकिन एक भी आदमी नहीं पहुंचा है। आप लोग हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल पर जा करके ये गाना को जो चल रहा है ये पर्दे के पीछे, उसको जरूर एक बार सुनिएगा आप लोग। तो धन्यवाद, नमस्कार।